hey guys this is omation 12 back with another video I welcome you all on my YouTube channel study search point I hope you all are enjoying our videos if you have any queries you can ask me on comment box if you want the PDF of this lectures or any other lecture you can join our telegram channel the name of channel is study search point so start karte hai, Uttarakhand series. फॉरेस्ट इंस्पेक्टर जो हमारा चल रहा था उसका चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल धातु और अधातु का चैप्टर नंबर टू पार्ट टू यहाँ पर हमारा चलेगा इसका पार्ट वन में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब भौतिक गुण किस तरह से होते हैं चमक से मेलियबिलिटी डक्टिलिटी सोनोरस ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी डेंसिटी बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट क्या है मेटल्स नॉन मेटल्स में किसका ज़्यादा किसका कम और केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि रासायनिक गुण में हमने नंबर वन पढ़ लिया था कि मेटल्स जब कभी भी या रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन से यानी कि एयर से तो क्या होता है सोडियम और पोटेशियम देखो इम्पोर्टेंट सोडियम पोटेशियम बहुत ज़्यादा है कभी कभार पूछ लेता है कि सोडियम पोटेशियम को कैरोसिन ऑयल में क्यों रखा जाता है पॉइंट्स में ऑप्शन देगा क्योंकि सोडियम पोटेशियम ऑक्सीजन से बहुत ही शीघ्रता से बहुत ही जल्दी तेजी से रिएक्ट कर लेते हैं और आग पकड़ लेते हैं इसीलिए उनको जो है कैरोसिन ऑयल में इमर्स के आदा डुबो के रखा जाता है अब हम जो हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज है इसका पार्ट टू मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज जो मेटल्स का चल रहा था इसका प्रॉपर्टी नंबर टू पढ़ेंगे जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर मतलब जब कभी भी मेटल पानी से वाटर से रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है देखो इन जनरल अगर बात करेंगे तो जब कभी भी मेटल अगर वाटर से रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनेगा ठीक है मेटल ऑक्साइड और साथ में एच टू जो है यानी कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी ये तो एक इन जनरली ये हमारा ये टॉपिक हो गया ये पॉइंट हो गया इसमें कि जब भी मेटल रिएक्ट करते हैं वाटर से तो क्या होता है मेटल ऑक्साइड बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है दिस क्लियर ओके इतना क्लियर हो गया ये एक सिंपल सा है जैसे मैं कोई सा भी ले लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर तो पर मैंने ले लिया मान लेते हैं एम जी ले लिया चलो एम जी ने एच टू से रिएक्ट करा तो इन इन जनरल ले रहा हूँ आगे ये रिएक्शन चेंज हो सकती है मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा और साथ में एच टू आएगी, मैंने इसको बैलेंस भी नहीं कर रखा है अभी इक्वेशन को ठीक है बैलेंस नहीं कर रहा हूँ सिर्फ मैं बताना चाह रहा हूँ कि ऑक्साइड बनता है अब ये हमारी पहले डिस्कस हो चुका था कि मेटल ऑक्साइड जो भी होते हैं वो सब क्या होते हैं Water होते metal oxide क्या होते है? water होते हैं. हैं? हैं. क्या पानी में क्या होते हैं घुलनशील होते हैं ठीक हो गया तो इतना आपको पता चल गया अब देखो क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से बनेगा जो अब हम डिस्कस करेंगे कि मेटल हमने बोल तो दिया वाटर से रिएक्ट करता है लेकिन वाटर की भी फॉर्म आपको पता है ना कोल्ड वाटर यानी कि जो आइस वाला होता है या जो ठंडा पानी नॉर्मल वाटर या फिर हॉट वाटर कौन किससे रिएक्ट करता है यही अब आप आपको यहाँ पर समझना है क्योंकि तो एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है या कौन सा ऐसा मेटल है जो हॉट वाटर से रिएक्ट करता है या नहीं करता कुछ भी पूछा जा सकता है तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि मेटल जो है वाटर से रिएक्ट करेगा इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं कोल्ड वाटर से कोल्ड मतलब ठंडा पानी ठंडे पानी से कौन कौन से मेटल रिएक्ट करते हैं सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम देखो मैंने यहाँ पर इनका केमिकल नेम नहीं लिखा सिर्फ सिंबल लिखा क्योंकि ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ठीक जो एन अगर आपको ये अगर एनए का मीनिंग नहीं पता है इसका केमिकल नेम नहीं पता है तो आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं वहां पर हमने हर एक चीज के डिस्कस कर रखें तो जो चीज बार बार आ रही है इसलिए मैं उसको अब शॉर्ट में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ आप भी समझ सकते हैं सो ठीक है तो एन मतलब सोडियम के मतलब पोटेशियम और सी मतलब कैल्शियम ये जो तीन हैं एने के और सी ए ये तीनों जो है कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं किससे करते हैं कोल्ड वाटर से सिर्फ और सिर्फ कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेंगे और किसी से नहीं करेंगे क्लियर हो गया अच्छा यहाँ पर हॉट वाटर रह गया है हॉट वाटर से जो रिएक्ट करते हैं वो मैग्नीशियम है जो हॉट वाटर से रिएक्ट करता है क्लियर हो गया हॉट वाटर मतलब गर्म पानी नॉर्मल गर्म पानी और स्टीम अलग है ठीक है तो मैग्नेशियम यहाँ पर हॉट वाटर से रिएक्ट कर लेगा क्लियर हो गया ठीक है अब ये तो हो गया आपका एक नॉर्मल सा कि यहाँ पर कोल्ड वाटर से कौन करता है हॉट वाटर से कौन करता है फिर आते हैं हम स्टीम से स्टीम मतलब भाप से कुछ ऐसे भी हैं मेटल जो कि अब आपको देखो अगर वाटर आइस की फॉर्म में है या कोल्ड वाटर तब भी एच टू ओ लिखोगे लिक, और लिक्विड फॉर्म में यानी कि हॉट वाटर तब भी एच टू ओ लिखोगे स्टीम की फॉर्म में तब भी लिखा एच टू ओ ही जाता है बट जब आप अगर केमिकली रिएक्ट कर रहे हैं अगर लेबोरेटरीज में तो वहाँ पर आप कौन सा पानी लेंगे अगर आप मेटल की रिएक्ट कर रहे हैं तो ठीक है तो ए एल मतलब एल्यूमिनियम एफ ई मतलब आयरन और जेडन मतलब जिंक ये तीन ऐसे हैं जो स्टीम से रिएक्ट करते हैं किससे करते हैं स्टीम से स्टीम मतलब भाप से रिएक्ट करते हैं कोई दिक्कत आ रही इतने में ठीक है नहीं आ रही होगी तो ये किससे रिएक्ट करते हैं स्टीम से करते हैं स्टीम का मतलब भाप से रिएक्ट करते हैं ये तीन कोल्ड वाटर से एन ए के और सी ए और हॉट वाटर से मैंने बताई दिया एम करता है रिएक्ट और अच्छा हाँ अब कुछ ऐसे भी हैं सब्सटेंस जो वाटर से रिएक्ट ही नहीं करते हैं जो पानी से कभी रिएक्शन ही नहीं करेंगे कुछ ऐसे मेटल भी हैं पीबी पीबी मतलब लेड लेड अगर इंग्लिश में कहेंगे तो लेड और हिंदी में कहेंगे तो सी सा मतलब कॉपर सी यू मतलब कॉपर मतलब एयू मतलब गोल्ड गोल्ड मतलब सोना कॉपर मतलब तांबा ए जी मतलब सिल्वर और सिल्वर मतलब चांदी तो इतना समझ में आ गया सिंबल के नेम सबके क्लियर हो गया ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं जो इसी में कि मैंने अभी यहाँ बोला कि जो कौन किससे करता है सीए करता है कोल्ड वाटर से लेकिन ध्यान रखना सीए और ये ये तीनों कोल्ड वाटर से करते हैं रिएक्शन एन और के भी करता है सी भी करता है डिफरेंस क्या है कि एन और के जो है ये कोल्ड वाटर से बहुत ही तेजी से रिएक्ट कर लेते हैं बहुत तेजी से रिएक्ट कर लेते हैं और जो यहाँ पर हाइड्रोजन बनता है ये इतनी तेजी से रिएक्ट करते हैं कि ये जो यहाँ पर हाइड्रोजन बनता है ये आग भी पकड़ सकता है इसलिए बड़ी सावधानी से रिएक्शन करनी होती है इससे पहले भी हमने पढ़ा था जब सोडियम पोटेशियम ऑक्सीजन से भी बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं यहाँ पर भी सोडियम पोटेशियम वाटर से भी बहुत तेज़ी से कोल्ड वाटर से बहुत ही विगरसली रिएक्ट करते हैं तेजी से रिएक्ट करते हैं शीघ्रता से करते हैं तो जो हाइड्रोजन गैस बनती है वो आग भी पकड़ सकती है इसलिए सावधानी रखनी बहुत जरूरी है और सीए जो होता है ये बहुत ही धीरे धीरे करता है विगरसली नहीं करेगा मतलब बहुत तेजी से रिएक्शन नहीं कर देगा बहुत ही ज्वलनशील जो स्थिति में नहीं आएगा मतलब हीट रिलीज इसमें बहुत कम होती है या नहीं होती है लेकिन सोडियम ियम जब भी रिएक्ट करता है वाटर से हीट बहुत रिलीज होती है और हीट जहां रिलीज होती है उसको पता है है आपको क्या बोलते है? है, क्या बोलते हैं एक्सोथर्मिक ठीक अब इसमें देखो यानी कि जो कैल्शियम और एम जी, मतलब मैग्नीशियम ये क्या करते हैं फ्लोट करते हैं तैरते हैं जब भी ये पानी से रिएक्ट करते हैं तो ये मतलब पानी के ऊपर ये तैरने लगते हैं क्यों तैरने लगते हैं क्योंकि जो बबल्स बनते हैं पर हाइड्रोजन के बबल्स मतलब बुलबुले से जो बनते हैं ये इनकी सतह पर चिपक जाते हैं जिससे इनका वेट हल्का हो जाता है हल्का हो जाता है तो ये पानी के ऊपर तैरते हैं ठीक है दीके? ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है बट ये प्रॉपर्टी में था तो इसलिए मैंने लिखा दिया ये मैं आपको बता चुका हूँ पोटेशियम रिएक्ट वाली मतलब बहुत ही तीव्रता से बहुत ही मतलब एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज करते हैं ठीक है विद कोल्ड वाटर एंड इवॉल्व हीट हीट लिखा नहीं है शायद क्या इवॉल्व अच्छा जो यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर उत्पन्न होगी वो तुरंत आग पकड़ ली थी मैंने आपको बताई दिया ठीक है तो यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा हुआ और हिंदी में मैंने एक्सप्लेन कर लिया कि जब भी सोडियम या पोटेशियम वाटर से करते हैं रिएक्शन करते हैं बिक्रिया करते हैं तो यह बिक्रिया बहुत ही तेजी से बहुत ही शीघ्रता से होती है और इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है वॉयेंटली मतलब लड़ाई झगड़ा जैसे कहते हैं ना वॉलेंट हो जाना साइलेंट हो जाने तो वायलेंट कर दूंगा डायलॉग भी है तो वायलेंटली रिएक्ट करते हैं तो हीट ज़्यादा रिलीज होती है हीट ज़्यादा रिलीज होती है तो जो भी हाइड्रोजन यहाँ पर इवॉल्व होगा वो तुरंत ही आग पकड़ सकता है ठीक है अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए मैंने ये सिर्फ आपके समझने के लिए हैं देखो ये है एफी एफ ई जब भी वाटर से रिएक्ट करेगा तो एफ ई थ्री ओ फोर बनता है दिस इज कॉल्ड रस्ट जिसको आप जंग भी कहते हो जंग लग जाती ना एफ ई में वो यही यह है एफ ई टू ओ थ्री भी होता है हालांकि जंग वाला एफ ई टू ओ थ्री में भी जंग लगती है इसका दिखाया है सोडियम का और भी जो सारी आप यहां पर से भी करोगे तब भी रिएक्शन हो जाएगी बट वो तो सब दिखाने की कोई जरूरत थी नहीं एन यानी कि सोडियम जब भी वाटर से करेगा तो एन ए ओ एच बनेगा यानी कि हाइड्रोक्साइड बनेगा देखो यहाँ पर हाइड्रोक्साइड बन रहा है ध्यान रखना सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है और ये एच टू बन रहा है यानी कि हाइड्रोजन साथ में देखो हीट एनर्जी यानी कि एनर्जी बहुत रिलीज रिलीज्ड होती है ये और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसमें अच्छे है और जो इसमें एनर्जी रिलीज होती है उससे ये जो हाइड्रोजन होता है बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है इसलिए संभाल करके रिएक्शन करनी होती है क्लियर हो गया ये पार्ट हम एक बार वैसे पहले डिस्कस कर चुके हैं व्हाट हैपन्स क्या होगा जब मेटल रिएक्ट विद एसिड जब मेटल एसिड से रिएक्ट करते हैं हम एसिड बेस और सॉल्ट में कर चुके हैं कि जब भी कोई एसिड जो है मेटल से रिएक्ट करता है जब भी कोई एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो एक तो सॉल्ट बनता है आपका और दूसरा एच टू बनता है ये हम पहले ही रिएक्ट एसिड बेस सॉल्ट यानी कि अम्ल क्षार लवण में हम ये चीज पहले कर चुके हैं कि जब भी कोई मेटल किसी अम्ल से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है मेटल अम्ल से रिएक्शन करता है तो सॉल्ट बनता है लेकिन ये चीज ध्यान रखना मेटल हमेशा डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करता है डाइल्यूट का मतलब होता है तनु एसिड तनु मतलब क्या होता है जब किसी एसिड मतलब सांद्र एसिड जो होता है सांद्र मतलब कॉन्सेंट्रेटेड एसिड उसमें पानी मिला दिया जाता है पानी मिला देने से क्या होगा जो उसकी सांद्रता होगी वो थोड़ा कम हो जाती है और वो तनु अम्ल पर बदल जाता है क्योंकि जो सांद्र जो अम्ल है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है उसको ट्रीट करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि वो ज्वलनशील होता है जला देगा जिस जगह पर अगर पड़ गया तो वो पूरी तरह से स्किन पर या कपड़े पर किसी भी चीज़ पर पूरी तरह से जला देता है इसलिए उससे रिएक्ट कर पाना उसको डील करना थोड़ा मुश्किल होता है इसलिए उसमें पानी मिला कर के करता जो भी आप स्कूलों में एसिड देखते हैं मैक्सिमम वो सारे तनु होते हैं मतलब उसमें पानी मिलाया जाता है उसमें अम्ल की मात्रा होती है कम और पानी की मात्रा ज्यादा होती है और जो सांद्र होते कि, अब जब भी से करेगा, से, तो सॉल्ट बनेगा लवण और, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है अब इसमें आपको क्या याद रखना देखो कौन नहीं करता है ये नोट लिखा हुआ मैंने नोट इसलिए लिखा है कि सी यू मतलब कॉपर ए जी मतलब सिल्वर और एच डी मतलब मरकरी मरकरी मतलब पारा ये तीन जो है ये एसिड से रिएक्ट नहीं करते हैं क्लियर हो गया ये तीन एसिड से रिएक्ट नहीं करते हैं बाकी एफ जब एसिड से करेगा यानी कि एच सी एल से करेगा तो एफ ई सी एल थ्री बन गया और साथ में एच टू बन गया ये नॉर्मल सा बन गया क्लियर हो गया इसमें कोई दिक्कत नहीं है अब ये तो हमने बताया था कि यहाँ पर मैंने जो एग्जाम्पल दिया एस का दिया एक और एसिड होता है नाइट्रिक एसिड अब आपको यहाँ पर सिंबल भी याद हो जाएंगे देखो ये भी एग्जाम्प आता है नाइट्रिक एसिड का सिंबल क्या है यानी कि सिंबल मतलब केमिकल फार्मूला जो होता है नाइट्रिक एसिड का केमिकल फार्मूला है एच एन ओ थ्री एच एन ओ थ्री को बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल नाइट्रिक एसिड तो लगभग सारे मेटल जो होते हैं वो नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करेंगे तो एच टू इवॉल्व ही नहीं होती है रिएक्शन तो करेंगे ऐसा नहीं कि रिएक्शन नहीं करेंगे रिएक्शन तो करेंगे लेकिन यहाँ पर एच टू निकल रहा है ना जब भी मेटल किसी सॉल्ट से रिएक्ट करता है तो एच टू बनता है लेकिन वहाँ पर एच टू नहीं बनता है जब भी मेटल नाइट्रिक एसिड यानी कि नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन करता है तो पहले तो ये ध्यान रख लेना है कि लगभग लग सभी मेटल जब नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करते हैं तो आपका हाइड्रोजन रिलीज नहीं होता है अब रीजन भी दिख दिया बहुत ही रेयर पूछेगा रीजन ये की एच एन ओ थ्री जो होता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कभी ये भी पूछ लेगा ऑक्सीडाइजिंग मतलब ऑक्सीकारक जो कि, कि किसी भी सब्सटेंस को ऑक्सीकरण की अभिक्रिया करता है मतलब उसमें ऑक्सीजन ऐड करता है या फिर हाइड्रोजन उससे रिमूव कर देता है हाइड्रोजन रिमूव करेगा या ऑक्सीजन ऐड करेगा उसको बोलते हैं ये जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन यानी कि उपचयन कहते हैं शायद और जो ये काम करता है उसको बोलते हैं ऑक्सीकारक या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्लियर हो गया तो ये क्या कर देता है H2 को ऑक्सीडाइज कर देता है किसमें वाटर में बदल देता है H2 ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें वाटर में ऑक्सीडाइज होने का मतलब H2 था इसमें वाटर ऐड ऑक्सीजन ऐड हो गया तो एच टू ना बनके एच टू ओ बनेगा और खुद क्या बना देगा खुद को कन्वर्ट कर लेगा एन टू ओ में या फिर एनओ में या एनओ टू में ये ये तीनों ही आपका नाइट्रोजन गैसेस हैं नाइट्रोजन की गैसेज है या तो एन बना देगा या एन NO बना देगा या NO2 में जो कन्वर्ट कर देगा अपने क्लियर हो गया तो ये आपको ध्यान रखना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एच अगर ये एग्जाम में ये भी पूछ लेगी इनमें से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो एच भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है क्लियर हो गया ठीक है अब एक और इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट और आया है जिसमें जो आपको याद रखना है वही मैं आपको बताऊंगा बाकी नहीं इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि एक्वारेजिया क्या होता है ये ही पूछ लेगा आपसे कि वट इज एक्वारेजिया तो एक्वारेजिया क्या होता है मिक्सचर होता है क्या होता है मिक्सचर होता है किसका कॉन्सेंट्रेट ना यहाँ पर यहाँ सांद्र वाला है कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होगा नाइट्रिक एसिड मतलब मैंने बता दिया था HNO3 यानी कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल और कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं है HCl को HCl और इन दोनों का रेशियो क्या होगा वन रेशियो थ्री क्या होगा वन रेशियो थ्री होगा ठीक है आ, आ, इसको मैं एक बार देख लू जरा वन रेशियो थ्री सही होगा नहीं होगा ये तब से चले वन रेशियो थ्री पर ही रहता है एक्वारेजिया का वैसे और इसमें ये ध्यान रखना है कि आपका ये एग्जाम में कभी कभी उल्टा आ जाता है उल्टा कहने का मतलब आपको कह देगा कि एक्वारेजिया में एच सी एल लिख देगा पहले HNO3 लिख देगा बाद में इनका रेशियो क्या होता है एच सी एल और एच एन ओ थ्री का तो अब आपको कंफ्यूजन पे नहीं आना है कि एच सी एल और एच एन ओ थ्री पहले लिख दिया गया तो अब इसका रेशियो कैसे लिखेंगे हम अगर पहले एच सी एल लिखा हुआ है बाद में एच एन ओ थ्री आया है तो आपको थ्री रेशियो वन करना पड़ेगा ठीक है और यहाँ पर क्या है मैंने लिखा है पहले नाइट्रिक एसिड नाइट्रिक एसिड का मतलब मैंने पहले एच थ्री लिखा हुआ है देन उसके बाद एस लिखा तो मैंने रेशियो को उल्टा कर दिया वन रेशियो थ्री तो एग्जाम में यही ध्यान रखना है कि क्या लिखा हुआ आता है ठीक है एग्जाम में यही देखना है कि लिखा क्या है अगर एक्वारेजिया क्या है पूछेगा आपसे बोलेगा एक्वारेजिया इज मिक्सचर ऑफ तो आप सीधा बोल दो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ठीक हो गया अगर रेशियो पूछेगा तो ये ध्यान रखना कि एच सी एल के तीन पार्ट होते हैं बस इतना भी आप ध्यान रख लोगे कि एच सी एल के कितने पार्ट होते हैं एच सी एल के तीन पार्ट होते हैं और एच एन ओ थ्री के एक पार्ट होता है अगर पहले एच एन ओ थ्री लिखा है तो यू विल राइट इट वन रेशियो थ्री अगर पहले एच सी एल लिखा फिर एच एन ओ थ्री लिखा तो तीन रेशियो वन लिखोगे ये आपको ध्यान रखना है ठीक है तो मैंने यहाँ पर एच ह... नाइट्रिक एसिड पहले लिखा तो इसलिए वन रेशियो थ्री लिखा हुआ है क्लियर हो गया ठीक है अगला जो इसमें प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी क्या है कि जब भी मेटल रिएक्ट करेंगे किससे मेटल सॉल्ट से मेटल सॉल्ट से, से कोई भी मेटल अगर मेटल सॉल्ट से रिएक्ट करेगा तब क्या होगा ये देखो ये रिएक्शन भी हम पहले पढ़ चुके हैं जब हम रासायनिक अभिक्रिया वाला हमने चैप्टर पढ़ा था तो उसमें ये सब चीजें आ चुकी हैं कोई भी एक मेटल है मेटल ए है वो रिएक्शन कर रहा है किससे मेटल है कोई उसका सॉल्ट है या उसका कोई सॉल्यूशन है मतलब विलयन है क्लियर हो गया उससे रिएक्ट करेगा तो वो क्या करेगा इस ये वाला मेटल इस वाले मेटल को उसके कंपाउंड से प्रतिस्थापित कर देगा ठीक है रिएक्टिव मेटल लेकिन उसके लिए जरूरी है कि मेटल ही रिएक्टिव इसको देखो इन शॉर्ट सिंपली करते हैं जो हमने पहले डिस्प्लेसमेंट वाली जो अभिक्रियाएं जब हमने पढ़ी थी तो उसमें हमने बताया था ना मेटल ए का जरूरी है कि मेटल ए मेटल जो यहाँ बी मेटल होगा इसके कंपैरिजन में मोर रिएक्टिव ज़्यादा अभिक्रियाशील होना चाहिए लिखा भी देखोगी अधिक जो आपका क्रियाशील धातु होगा वो कम क्रियाशील धातु को उसके विलियन से प्रतिस्थापित कर देगा एग्जाम्पल से समझाता हूँ तो जल्दी आएगा समझ में जैसे एफ ई है और यहाँ सी यू एस ओ फोर है अब रिएक्टिविटी सीरीज मैंने पहले पढ़ा दी ना इसलिए मैं यहाँ पर लेकर के नहीं आया हूँ रिएक्टिविटी सीरीज मैंने एक दो लेक्चर पहले आपको पढ़ा रखी है आप उसमें जाकर के उसको देख सकते हैं रिएक्टिविटी सीरीज को ठीक है तो जब भी एफ ई सी यू एस ओ फोर से रिएक्ट कर रहा है आपको पता है एफ ई इज़ मोर रिएक्टिव देन सी यू एफ ई सी यू के कंपेरिजन में ज़्यादा अभिक्रियाशील है ज़्यादा अभिक्रियाशील है तो ये क्या करेगा एफ ई एस ओ फोर को अपने पास ले आएगा FeSO4 को अपने पास लिया लियाएगा और आपके पास बचेगा क्या सिर्फ Cu तो ये रिएक्शन बनेगी आपकी लेकिन यही अगर उल्टी रिएक्शन होती CuSO4 होता और फिर वो Fe से रिएक्ट करता तो नहीं हो पाता ना क्योंकि Cu सॉरी सॉरी तो मैंने वही लिख दिया अगर आपका इक्वेशन ये होती Cu होती और प्लस FeSO4 होता तो अब Cu तो Fe के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव है ना कम क्रियाशील है तो सी यू एसओ फोर को यहां से निकाल ही नहीं पाएगा प्रतिस्थापित नहीं कर पाएगा तो ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं होगी तो इसलिए यही है बस जब भी कोई मेटल दूसरे आ, किसी और मेटल के सॉल्ट से करता है तो उस पहले मेटल का यानी कि सिंगल मेटल जो है एकल मेटल जो है एकल धातु जो है उसका अधिक अभिक्रियाशील होना जरूरी है तभी वो उसको प्रतिस्थापित कर पाएगा ठीक है इसको आप ऐसे भी याद कर लो थोड़ा मजे मजे में जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला देगा ही होगा आपने एक कोई ए है ये बेचारा सिंगल है लेकिन इधर बी है इसके साथ सी है सी इसकी गर्लफ्रेंड है या आप इसको बॉयफ्रेंड कुछ भी मान सकते हैं जो भी है किसी एक पर कटाक्ष करना हमारा सही नहीं है अब मान लो ए जो है रिच है लड़की भी हो सकती है या लड़का भी हो सकता है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा ठीक है दीके? ये रिच है ए और बी दोनों का जेंडर सेम है जो भी है, अगर इसको आप लड़का मानोगे तो ए बी भी, भी लड़का एक और लड़की मानोगे बी भी, भी लड़की लेकिन सी एक नॉर्मल है सी कोई जो अदर जेंडर है अगर ए रिच है ए रिच है बी के कंपैरिजन में तो ये सी को अपनी ओर अट्रैक्ट अट्रैक्ट कर सकता है ना क्योंकि मोर रिच है या मोर हैंडसम है या मोर इंटेलिजेंट कुछ भी है तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा तो ये ए सी बन जाएगा और बी बेचारा अकेला सिंगल हो गया तो ये आपको ध्यान रखना जो मोर रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा उसके सॉल्यूशन से क्लियर हो गया ठीक है इतना है काफी अच्छा है अब अगला जो है ये है रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल जब मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है तो बस यही चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं तो आयंस बनते हैं क्या होते हैं आयंस बनते हैं अब इतना बस आपको ध्यान रखना आयन से रिलेटेड आपके एग्जाम में या जो आपके सिलेबस में टॉपिक है तो आयंस आपको ध्यान रखना है कि जब भी मेटल किसी नॉन मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या होता है आइंस बनते हैं अब कैसे बनते हैं वो हम देखते हैं एटम्स ऑफ द मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन जो भी मेटल होते हैं मेटल इतना ध्यान रखना है कि जितने भी मेटल हैं सब के सब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं अगर कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो आप समझ लेना वो मेटल है इतना ध्यान रखना अभी मैंडलीफ की टेबल्स जब हम पढ़ेंगे मेडलीफ पीरियोडिक टेबल्स जहाँ पर हम जितने एलिमेंट्स उसके बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर भी भी ये सब चीजें आएंगी बस इतना आपको ध्यान रखना है कि जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन त्याग रहा इलेक्ट्रॉन लूज, कर तो लूज, तो वो, वो लूज करते हैं अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं तो वो आपका कैटाइन बन जाते है। मतलब धनाएन। धनाएन समझ रहे हैं ना जैसे आपके पास पैसा आपने उसको दान दे दिया दान दे दिया तो मतलब आप 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 धनी थे ना आपको धनी माना जाएगा तो धनायन यानी कि कैटाइन कहा जाता है तो मेटल सारे क्या होते हैं कैटाइन होते हैं और जितने भी नॉन मेटल होंगे वो सब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे प्राप्त करेंगे अगर इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर रहे हैं तो वो एनाइन होंगे क्या कहेंगे उनको एनाइन कहा था तो मतलब ऋणायन आयन उनने किसी से ऋण लिया एक तरह से एनाइन हो जाते हैं अब इसका रीजन क्या है ये जब मैं वैलेंसी पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था के थ्रू अगर पढ़ेंगे तो थोड़ा जल्दी जाएगा एक बार हम बता चुके हैं बट कोशिश करते हैं यहाँ पर भी क्लियर कर दिया जाए जैसे एल बनता है किस किस से बनेगा एनए और सीएल से अब दोनों के हम यहाँ पर अलग अलग रिएक्शन एक बार देखते हैं एनए का अगर आप देखोगे एटमिक नंबर होता है ग्यारह क्या होता है ग्यारह तो मैंने आपको ये सब चीजें बताई थी कि जो है किस तरह से आपने यहाँ पर एलिमेंटों को या जो भी जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है उनको फिक्स करते हैं पहले वाले जो सेल होता है पहली वाली कक्षा में दो आते हैं दो रख दिए आपने अब तो इसके पास नौ बचे ना क्योंकि यहाँ पर ग्यारह थे तो दो माइनस हो गए इसमें से तो नौ बचे अब दूसरे वाले सेल में आपको पता है एट आ सकते हैं एट लिख दिया आपने अब नाइन में से भी एट माइनस कर दोगे तो एक ही बचा है इसके पास तो तीसरे वाले में कितने आएंगे एक आएगा तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया सोडियम का अब हर एक एटम की मैंने बताया था उसकी टेंडेंसी होती है उसकी प्रवृत्ति होती है कि वो अपने आउटर मोस्ट सेल को यानी कि सबसे बाहरी जो कक्षा होती है उसको पूर्ण करना चाहता है अब इसके बाहरी कक्षा में तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ना इसके बाहरी कक्षा में तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है सॉरी तो एक चलो एक इलेक्ट्रॉन क्या एक्स्ट्रा है अब इसको इसको कंप्लीट करने के लिए आठ बनाने पड़ेंगे आठ के लिए तो उसको सात चाहिए होंगे अब ये साथ थोड़ी किसी से मांगेगा ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा जैसे ये एक दे देगा तो अब इसके पास सेल क्या बचा टू कोमा एट और ये अब आउटर मोस्ट सेल है ठीक अभी आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन एक थे लेकिन ये किसने किसी को दे दिया तो अब आउटर मोस्ट सेल में कितने आठ हैं आठ मतलब इसका ऑक्टेट यानी कि इसका अष्टक अष्टक क्या हो गया कंप्लीट हो गया क्लियर हो गया तो क्या बन गया ये एन ए प्लस और इलेक्ट्रॉन माइनस बन गया क्लियर हो गया क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया तो ये एन ए प्लस में हो जाएगा इसके ऊपर साइन लगा दिया प्लस और एक प्लस का साइन आया तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन दिया जो दो देगा तो उसके ऊपर एम जी प्लस टू ए एल वाला तीन देता है तो ए एल प्लस थ्री तो वो तीन इलेक्ट्रॉन दान करता है मतलब उसके आउटरमो सेल में तीन इलेक्ट्रॉन थे ऐसे सी एल का सी एल का होता है सत्रह तो पहले में दो आएंगे अब दो माइनस करोगे तो कितना बचेगा पंद्रह फिर आठ आएंगे आठ माइनस करोगे पंद्रह से तो सात आएंगे अब इसके आउटरमो सेल में सात हैं अपना अष्टक यानी कि ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए एक इलेक्ट्रॉन के लिए ये क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन ये किसी से ले लेगा अब यहाँ पर ये जो था सोडियम इसके पास एक, एक एक्स्ट्रा था तो सोडियम इसको दे देगा एक इलेक्ट्रॉन सोडियम जैसे इसको एक इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका ऑक्टेट अब आप देखोगे टू एट सेवन से टू एट एट हो गया यानी कि ये बन गया क्लोराइड एनाइन ये बन गया सोडियम कैटाइन तो यानी कि जो भी आपके कैटाइन होते हैं वो सारे पॉजिटिव आइंस होते हैं मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन दान करते हैं देते हैं और जो एनाइंस होते हैं ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं ग्रहण करते हैं क्लियर हो गया अब हम आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे आयनिक यौगिक या जो भी ये कंपाउंड्स हैं ठीक है आयनिक कंपाउंड्स के बारे में जैसे आप यहाँ देखेंगे कि आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है अभी हमने बता दिया था आयनिक कंपाउंड्स का मतलब सॉरी द कंपाउंड्स फॉर्मड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आयनिक कंपाउंड्स किसे कहते हैं आयनिक कंपाउंड्स का मतलब द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो कंपाउंड बनते हैं उनको हम बोलते हैं आयनिक तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण आपने ऊपर देखा ना

तो जो कंपाउंड बनता है उसको हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड तो जो भी ये यौगिक बनेगा कंपाउंड का मतलब यौगिक जो यौगिक बनेगा उसको बोलेंगे आयनिक यौगिक क्या बोलेंगे उसको आयनिक यौगिक कहा जाएगा अब अगर दो चीजें आपस में जुड़ी हैं तो कोई ना कोई तो बल काम कर रहा होगा उस बल को हम बोलेंगे अगर पूछ लेंगे कभी कभार कि आयनिक जो कंपाउंड होते हैं जब वो बनते हैं तो उनके बीच में कौन सा फोर्स कौन सा बल काम करता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कह सकते हैं हम विद्युत वाहक बल या विद्युत बल भी कह सकते हैं नॉर्मली विद्युत बल वैद्युत बल जो भी कहना चाहोगे ठीक है तो जो भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो विद्युत बल से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़े हुए होते हैं और इनके बीच में बॉन्डिंग कैसी होती है तो आयनिक बॉन्ड होती है ठीक हो गया आयनिक बॉन्ड क्योंकि आइंस बन रहे हैं तो बॉन्ड मतलब बंद कौन सा बनेगा आयनिक बंद बनेगा ठीक है ये नॉर्मल सी चीज़ जो पूछी जाएगी वो इतना ही है अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज भी आपके में लिखी तो आयनिक कंपाउंड आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम सारे आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं क्या होते हैं सॉलिड ब्राइटल होते हैं ब्रिटल होते हैं ब्रिटल मतलब भंगुर भंगुर का मतलब टूट जाएंगे जल्दी जल्दी क्या होते हैं टूट जाते हैं जल्दी टूट जाते हैं समझ में आ गया गए आयनिक कंपाउंड सॉलिड ठोस होते हैं और जल्दी टूट जाते हैं आयनिक कंपाउंड ये इंपॉर्टेंट है अगर आपको तीन चीज दे देगा बोलेगा किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा तो आयनिक आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट मतलब गलन बिंदु और आपका क्वन बिंदु मतलब बॉइलिंग बॉलिंग जिसमें ये भाप में बदल जाते हैं वो दोनों ही हाई होते हैं उच्च जो है क्वन बिंदु उच्च गलन बिंदु होता है इनका क्यों क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स काम कर रहा है जो अभी मैं ऊपर पड़ा था ना अपने विद्युत बल वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बहुत ज्यादा ताकतवर होता है तो उसकी वजह से मेल्टिंग uh, पॉइंट अगर फोर्स ज्यादा लग रहा है तो बॉन्ड को ब्रेक करने में आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी मतलब बंद को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी तो उसका मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलन बिंदु या बॉइल कर रहे हो तो बॉइलिंग पॉइंट उच्च होता है ठीक है बिंदु उच्च होता है जो आयन होते हैं वो वाटर में घुलनशील होते हैं सोल्यूबल वाटर होते हैं तो प्रॉपर्टीज़ हैं तो इसलिए आपको याद करना है आइंस आर सोल्यूबल इन्वॉटर पानी में घुलनशील होते हैं क्लियर है अगला में आयनिक जो होते हैं अगर ये सॉलिड स्टेट में है आइंस नॉर्मली आइंस क्या होते हैं सॉलिड स्टेट में होते हैं ना तो आइंस अगर सॉलिड स्टेट में तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे जैसे एन है ना एक तरह से एन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा लेकिन इसी को अगर आप अगर पिघला दोगे मोल्टन स्टेट में ले आओगे द्रव अवस्था में ले आए तो फिर इसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होना शुरू हो जाती है जैसे कोई नॉर्मल एन है उसमें विद्युत प्रवाहित नहीं हो रही है लेकिन उसमें आपने पानी में ला करके नमक पानी का घोल बना दिया है अब इसमें से विद्युत प्रवाहित होने लग जाएगी मतलब यह भी कंडक्टर बन जाएगा किसका इलेक्ट्रिसिटी का विद्युत का विद्युत इसमें से प्रभावित होने लग जाएगी विद्युत का चालक बन जाएगा तो इतना समझ में आ गया आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आई होप ठीक लगा होगा थोड़ा जो भी है कोई दिक्कत अगर लगे समझने में या कोई आप देना कि सजेशन अपनी तरफ से कि इस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है तो हम इम्प्रूव करेंगे बट आप लगे रहिए घर पर बैठ करके पढ़ाई करिए आराम से पेपर जब भी होगा एक आदों ने पूछा था पेपर कब होगा तो पेपर अभी कुछ पता नहीं है सिचुएशन इससे आपको पता ही है इंडिया की क्या है या वर्ल्ड की क्या है तो अभी कुछ कहा नहीं सकता बट जून या जुलाई से पहले कोई पेपर हो पाना मुझे तो पॉसिबल लगता नहीं है उसके बाद ही कोई पेपर होंगे क्योंकि यू ने भी डिक्लेरेशन दे दिया है कि पेपर कैंसिल होगा यू पी पी यू पी पी सी एस का भी कैंसिल ही हो रहा है तो ये सब चीज़ें हैं तो अभी कुछ सिचुएशन क्लियर नहीं है तो आप तब तक पढ़ाई करें आराम से मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर